मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए जॉय ऑफ रिम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Hey everyone, my name is Rimi. Welcome to Joy of Rims. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बेस्ट सनस्क्रीन फॉर किड्स, कौन सा सनस्क्रीन सबसे बेस्ट है किड्स के लिए हमारे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है जो अक्सर ही सारे पेरेंट्स पूछते हैं, क्या बच्चों को सनस्क्रीन लगाना चाहिए कि नहीं। जी हाँ, बच्चों को सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे बड़े लोग को जरूरी है, उसी तरह बच्चों को भी जरूरी है। बच्चों की स्किन तो इवन और भी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसके कारण तो और भी ज्यादा मेरे को लगता है कि जरूरी होता है सनस्क्रीन लगाना। तो सनस्क्रीन लोशन आपको जरूर लगाना चाहिए, ये आपको यूवीए यूवीबी रेस से आपको बचाएगा। तो सनस्क्रीन लगाने से आपका बच्चा बिल्कुल भी टैन नहीं होगा और उसके चेहरे पे जो ड्राइनेस जैसे आ जाती है अगर सनस्क्रीन नहीं लगाइए और आप धूप में रहिए विंटर के टाइम पे, तो कितना ड्राई ड्राई सा हमारे बच्चे के स्किन हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए सनस्क्रीन मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा मस्ट है। तो आप क्रीम लगाना अवॉइड कर सकते हैं पर सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बड़े लोग से ज्यादा बच्चे लोग धूप में रहते हैं और तो उन लोगों को तो सन की कितनी जरूरत होती है विटामिन डी के लिए, तो उनको तो स्पेशली मेरे को लगता है सनस्क्रीन लगा के ही धूप में रखना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे का जो भी कलर है वो डल हो सकता है। तो इनफैक्ट कलर की कोई बात नहीं है, मगर फिर भी आपके बच्चे के स्किन बहुत अच्छी रहेगी अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं। आपका बच्चा टैन नहीं होगा और बहुत ही अच्छा, बहुत ग्लोइंग स्किन आपके बच्चे की रहेगी अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं। और विंटर हो या समर, मैं तो दोनों टाइम में ही सनस्क्रीन अपने बेबी को लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सनस्क्रीन लगाने से। तो अब बस ये है कि कौन से कुछ सनस्क्रीन लगानी है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं सनस्क्रीन क्यारा को जब क्यारा 1 ईयर्स की हो गई थी उसके बाद से मैंने सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट किया था। उसके पहले मेरे को लग रहा था कि उसकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो मुझे इतना ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मैं डायरेक्ट वैसे भी सन के सामने उसको डायरेक्ट नहीं रखती थी कभी भी, हमेशा जब भी मैं उसको धूप भी दिखाती थी तो हमेशा या तो जाली लगी होती थी या तो डोर हमारा लगा रहता था शीशे का, उससे ही छन के ही धूप आती थी, वैसे ही मैं क्यारा को धूप दिखाती थी। तो मैं मुझे 1 ईयर्स तक मुझे ऐसा जरूरी नहीं लगा सनस्क्रीन लगाना बच्चे को, क्योंकि 1 ईयर के बाद बच्चा आउटडोर प्ले के लिए जाने लगता है, तो उसी टाइम पे मेरे को जरूरत पड़ी थी सनस्क्रीन की कि बच्चा अब ज्यादा टाइम के लिए अब खेलने के लिए बाहर निकल रहा है तो मेरे को अब सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मैं कौन से ब्रांड का मैं सनस्क्रीन में यूज करूं, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मैं ढूंढने लगी कि बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा है किड्स के लिए। तो फिर फाइनली मुझे एक अच्छा सनस्क्रीन मिला जो कि मामा अर्थ का है। तो ये मामा अर्थ का मुझे सनस्क्रीन मिला तो इसका रिव्यूज वगैरह काफी अच्छा था, तो इसलिए मैंने इसे परचेज किया। फिर मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव मुझे लगा। मैं इसको लगा करके पूल में भी जाती थी क्यारा के साथ, क्यारा पूल में भी जाती थी, तो उसके बाद भी बिल्कुल भी टैनिंग नहीं होती थी। क्यारा का जो स्किन का जो कलर था बिल्कुल उसी तरह था, कभी भी जरा सा भी वो टैन मुझे कभी भी नहीं दिखी। काफी स्मूथ और सॉफ्ट स्किन हो जाता था इसको लगाने के बाद। तो भले मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम ना लगाऊं मगर उसे सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। तो मैं सनस्क्रीन हमेशा उसको लगाती थी, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, मैं जरूर लगाती थी सनस्क्रीन। तो ये सनस्क्रीन मामा अर्थ का सनस्क्रीन है जो कि SPF 20 है और ये 0 to 10 ईयर्स इसमें लिखा है। तो मैं 1 ईयर के बाद लगाती थी। अगर 1 ईयर के आपको पहले लगाना है तो आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लीजिए फिर आप लगाइएगा। 1 ईयर के बाद तो मैंने लगाया, तो 1 ईयर के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जो सनस्क्रीन है सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री सनस्क्रीन है, हाइपो एलर्जेनिक है और डर्मेटोलॉजिक टेस्टेड है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है एकदम नेचुरल है। तो ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन लोशन मुझे लगा ये मामा अर्थ का। तो इसे मैं डेली अप्लाई करती थी इसको क्यारा को, चाहे समर हो चाहे विंटर हो मैं इसको हमेशा अप्लाई करती थी। मगर क्या हुआ कि इस साल मैं इसे विंटर में यूज कर रही थी तो क्यारा की स्किन थोड़ी ड्राई ड्राई सी हो रही थी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो यहाँ पे मतलब ठंड भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है और ना ही गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है,
मतलब जो वेदर होता है वो हमेशा नॉर्मल रहता है, तो इसीलिए सनस्क्रीन ये मतलब नॉर्मल वेदर के लिए, मतलब हल्की ठंड और थोड़ी बहुत गर्मी के लिए, मतलब ये उसके लिए एकदम बेस्ट है। तो मगर विंटर के टाइम पे भी मैं इसे यूज करती थी क्योंकि यहाँ पे ऐसा जितनी सर्दी नहीं पड़ती है। तो इस बार क्या हुआ कि बैंगलोर में थोड़ी सी ठंड पड़ने लगी, तो उस टाइम पे मैं इसे यूज करती थी तो थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा क्यारा का स्किन मतलब होने लगा। तो फिर मेरे को लगा कि सनस्क्रीन तो मुझे यूज करना ही करना है, मगर ड्राई ड्राई सा बहुत ज्यादा हो रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि मुझे दूसरा सनस्क्रीन मुझे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह पे इन्वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा धूप में रहता है, धूप में खेलता है, और ठंडियों के टाइम तो वैसे भी बच्चा ज्यादातर धूप में ही हम उसको रखना प्रेफर करते हैं, तो मेरे को सनस्क्रीन ही चाहिए था। तो फिर उस टाइम पे फिर मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था ये बनाना बोट का सनस्क्रीन, तो ये बनाना बोट का सनस्क्रीन, तो बनाना बोट का सनस्क्रीन मुझे काफी सही लगा, मैंने इसको मंगाया। तो ये सनस्क्रीन लोशन SPF 50 है, और इसका जो टेक्सचर है बहुत वाटरी टेक्सचर है, मतलब ये विंटर के लिए एकदम परफेक्ट मेरे को लगा। जैसे विंटर अभी यहाँ बैंगलोर में तो थोड़ी बहुत ही विंटर पड़ी है इस बार, नहीं तो वैसे तो नॉर्मल ही हमेशा यहाँ का वेदर रहता है, अच्छा वेदर रहता है, मगर विंटर एकदम सर्दी कड़ाकेदार ठंड नहीं पड़ती है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस और बहुत ज्यादा वो नहीं होता है हम लोग को यहाँ पे। तो इसीलिए पिछले साल ठंड में तो मैं इसे ममाअर्थ का ही यूज करती थी, तो इस साल बैंगलोर में थोड़ी ठंड पड़ी तो क्या हुआ कि क्यारा का स्किन थोड़ा ड्राई ड्राई होने लगा। तो फिर मैंने बनाना बोट का फिर मैंने मंगाया, और ये SPF 50 है, तो ये भी हाइपोएलर्जेनिक, नो एडेड फ्रेग्रेंस, इसमें भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, और वेरी वाटर रेजिस्टेंट, तो ये एकदम वाटर रेजिस्टेंस का है। तो ये विंटर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सनस्क्रीन है, मगर इसे समर में मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगी। तो ये एकदम वाटरी टेक्सचर का है, जैसे ऑयल लगाने के बाद आपका फेस ऑयली ऑयली सा नहीं हो जाता है, एकदम उसी तरह ये सनस्क्रीन लोशन लगाने से हो जाता है। तो विंटर में तो अपन उसी तरह ही चाहते हैं कि मतलब लगा के मतलब काफी देर तक वो रहे और ड्राइनेस ना रहे, तो उसके लिए ये सनस्क्रीन लोशन मुझे बहुत बेस्ट लगा। तो इसका पैकेजिंग वगैरह काफी अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसे ट्रैवल के टाइम में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसका मैं टेक्सचर एक बार मैं लगा के आपको दिखाती हूँ, तो इसका आप टेक्सचर देख रहे होंगे कितना वाटरी टेक्सचर है, ये बिल्कुल जैसे आप कोई ऑयल लगा लेते हैं अपने फेस में, एकदम ग्रीसी ग्रीसी सा हो जाता है, उसी तरह इस सनस्क्रीन लोशन को लगाने के बाद ये ऐसा दिखता है। देखिए कितना शाइन, बिल्कुल जैसे ऑयल लगाने के बाद शाइन लगता है ना, उसी तरह ये बनाना बोट का सनस्क्रीन। तो ये वाले सनस्क्रीन में कोई एज नहीं दी गई हुई है, तो अगर आपका बड़ा बच्चा है 10 इयर्स 12 इयर्स का बच्चा है तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं दिया है, SPF 50 है। तो अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा हो, कुछ भी हो, तो आप इसे डेली लगाए। और तो मैं सनस्क्रीन एवरी पेरेंट्स को बोलूंगी कि आप अपने बच्चे को सनस्क्रीन डेली लगाया करें, तो आप खुद ब खुद उसका रिजल्ट आप देख सकेंगे फेस पे कि कितना अच्छा सनस्क्रीन लोशन से कितना अच्छा आपके बच्चे के चेहरे पे कोई टैनिंग नहीं है, और कितना अच्छा आपका बच्चे का चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है। और हम लोग के साथ क्या था कि पहले इतना हम लोग को पता नहीं था, और हम लोग तो अपने स्कूल के टाइम में कोई सनस्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं यूज करते थे, हमारे पेरेंट्स ऐसे ही भेज देते थे क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा ये सब चीजें नहीं थी, तो इतना हमारे पेरेंट्स लोग को भी नहीं पता था। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे ही स्कूल चले जाते थे, और हम लोग जब घर आते थे तो पूरे एकदम अजीब तरीके का पूरी टैनिंग हो जाती थी, हाथ काले हो गए हैं, गले का कोई अलग कलर है, फेस का कुछ अलग कलर है, हाथ का कुछ अलग कलर है, तो इसी तरीके से हमारा होता था। उसके बाद तो फिर मतलब फिर कुछ और आप होम रेमेडी करिए या कुछ करिए तभी आपका टैनिंग जाता था, वैसे तो जाता ही नहीं था। तो अभी भी अगर आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है या तो बड़ा बच्चा है, तो आप उसे सनस्क्रीन लगा के ही स्कूल भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको खुद ब खुद आपको रिजल्ट आपको सामने दिख जाएगा कि सनस्क्रीन लगाया हुआ बच्चा और विदाउट सनस्क्रीन कितना फर्क पड़ता है। और फिर ये जो सनस्क्रीन जो ममाअर्थ का है, ममाअर्थ का भी मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ। तो अभी विंटर जैसे ही खत्म होगा तो मैं फिर से कंटिन्यू करने लगूंगी ममाअर्थ,
तो क्योंकि मामा अर्थ मुझे पता है कि वो एकदम नॉर्मल स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है, हम कभी भी लगा सकते हैं समर के टाइम पे। समर यहाँ पड़ती नहीं है, नॉर्मल टाइप का वेदर रहता है, तो उस टाइम के वेदर के लिए एकदम मामा अर्थ परफेक्ट है। तो ये वाला सनस्क्रीन लोशन अगर समर में लगाएंगे तो मेरे को पता है कि क्यारा को दाने होने लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऑयली ऑयली सा है। तो ऑयली ऑयली सा तो मेरे को नहीं लगता कि समर में ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसीलिए अगर विंटर के लिए अगर आपको कोई अच्छा सनस्क्रीन लोशन चाहिए तो मैं बोलूंगी कि ये परफेक्ट है, और बाकी सारे वेदर के लिए मुझे ये एकदम परफेक्ट लगता है ममार्थ का। तो इसका पैकेजिंग वगैरह भी देखिए कितना काफी अच्छा है, ये भी ट्रैवल फ्रेंडली है। तो ये देखिए ये लिक्विडी टेक्सचर का नहीं है ये। तो ये लगाने के बाद, तो ये देखिए इसको भी लगाने के बाद अच्छा ग्लो आता है। बस ये है कि थोड़ी देर बाद ड्राई ड्राई सा स्किन आपके बच्चे का लगने लगेगा अगर हम विंटर में लगा रहे हैं। तो वही चीज हम और कोई वेदर पे लगाते हैं तो ममार्थ का सनस्क्रीन मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो मैं इन दोनों सनस्क्रीन लोशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन केस आपको परचेज करना होगा तो आप परचेज कर लीजिएगा। और ये बनाना बोट का सनस्क्रीन लोशन का प्राइस है, तो इसका प्राइस मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं मेंशन कर दूंगी प्राइस इसका। और ये मामा अर्थ का सनस्क्रीन का प्राइस है 299 रुपीज। तो ये 100 ml का है, 299 रुपीज का है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन केस आपको परचेज करना होगा तो आप परचेज कर लीजिएगा। और अगर ये मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय बाय।